नमस्कार, मैं सीनियर क्वालिटी इंजीनियर हरिओम सिंह। मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो कंक्रीट के लिए स्लम्प टेस्ट करते हैं वो किस कोड में मेंशन है और कैसे करते हैं। तो ये आपके सामने ओपन है, इसे आप देख सकते हैं। IS है हमारा 1199, जिसमें कि ये मेंशन है। ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी जो स्लम्प टेस्ट है उसके बारे में, और उसका जो ऑपरेटस यूज होता है उसका क्या डायर रहता है क्या। ये देखिए यहाँ पे आ चुका है, क्योंकि आप देख सकते हैं टेस्ट फॉर वर्कबिलिटी, जिसे हम स्लम टेस्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें ये कह रहे हैं कि दिस मेथड ऑफ टेस्ट स्पेसिफाइज द प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड आइदर इन द लेबोरेटरी of during the progress of work in the field for determining by the slump test the consistency of concrete where the nominal maximum size of the aggregate does not exceed 38 mm। एक बात आप लोगों को याद रखना होगा कि कंक्रीट के लिए स्लम्प टेस्ट मस्ट होता है, क्योंकि जो भी कंक्रीट साइट प्लांट से प्रोडक्शन होता है तब हम स्लम्प टेस्ट करते हैं, इसके बाद जब साइट पे पहुंचता है तब स्लम्प टेस्ट करते हैं, और ये नेसेसरी टेस्ट है। इसलिए हमें समझना होगा कि इसका जो ऑपरेटस है उसका डाया क्या होता है और कितना इसमें हम जो है कैसे इसको प्रोसीजर से हम फिल करते हैं, कैसे टेस्ट करते हैं। तो ऑपरेटस के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मोल्ड है हमारा उसमें दिया हुआ है द मोल्ड ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन सेल बी इन द फॉर्म ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कॉन हैविंग द फॉलोइंग इंटरनल डायमेंशन। ये डायमेंशन दिए है उसके, क्योंकि आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि वो किस टाइप का होता है। तो वैसे तो आप लोगों ने साइड पे देखा होगा, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि इसका डाया क्या है, टॉप का क्या डायमीटर है, बॉटम का क्या है। तो इसमें ये देखिए आप मेंशन किया हुआ है, बॉटम डायमीटर जो है 20 सेंटीमीटर का होता है, टॉप जो होता है उसका 10 सेंटीमीटर होता है, और हाइट जो होती है इसकी 30 सेंटीमीटर होती है। इसका आगे जो है डायग्राम बना हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका डायग्राम आ चुका है जो कि आप देख सकते हैं। तो ये इसकी हाइट हो गई, ये इसका जो है टॉप हो गया। ठीक है, और इसमें एक टैंपिंग रॉड भी यूज होती है, तो ये यहाँ पे मेंशन है, ये आप देखिए टैंपिंग रॉड, द टैंपिंग रॉड सेल बी स्टील और आइदर सुटेबल मटेरियल 16 mm इन डायमीटर कोमा 0.6 मीटर लॉन्ग एंड राउंडेड एट इन 1 इंच। ठीक है, तो ये हमारी टैंपिंग रॉड ही होती है, और इसको हम भरते हैं 4 लेयर में, इसको हम फिलअप करते हैं, जिसमें कि प्रत्येक लेयर पे हम 25 स्ट्रोक करते हैं। इसमें 25 बार जो है हम इसको टैंपिंग रॉड से स्ट्रोक मारते हैं और स्ट्रोक करते हैं और इसको भरते हैं। तो ये हमारा जो है इसका आप देख सकते हैं जो मोल्ड है वो इस प्रकार का होता है, और इसमें सब कुछ दिया भी है, और आप IS में देख सकते हैं 1199 में और इसको समझ सकते हैं। तो इसको आप खुद से भी समझ सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं भी आता है तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, ताकि मैं और आपको अच्छे से समझा सकूं, और आप इससे अगर रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।